क्या नौजवानों के कौशल को देश में सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या आइडिया ऑफ इंडिया पर कोई खास विचारधारा हावी हो गई है? अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने देश में स्किल डेवलपमेंट और विचारधारा को लेकर जो बयान दिए हैं, उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल विदेशी जमीन से देश को बदनाम करने वाले बयान देना राहुल गांधी की आदत हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यह है कि अमेरिका में आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है और क्यों कहा है? दो दिवसीय अमेरिका दौरे पर निकले राहुल गांधी ने टेक्सास में भारत वंशियों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचकर सिर्फ मोदी सरकार पर ही हमला नहीं किया बल्कि पड़ोसी देश चीन की तारीफ भी कर दी। I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. भारत में स्किल डेवलपमेंट पर दिए इसी बयान पर बीजेपी बोल रही है कि राहुल गांधी की नजरों में चीन ही सबसे बेहतरीन मॉडल है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिस स्किल डेवलपमेंट पर सवाल उठाया है, बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहा है। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद था देश के युवाओं में स्किल डेवलप करके उन्हें रोजगार मुहैया करवाना। करीब 1,66,00,000 से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े, 1,48,00,000 से ज्यादा लोगों ने प्रशिक्षण लिया, 1,15,00,000 से ज्यादा लोगों को मान्यता मिली और 24,38,000 लोगों को PMKVY के तहत रोजगार मिला। चीन में बेरोजगारी ना होने वाले राहुल के बयान से भी बीजेपी नाराज है। जुलाई 2024 में चीन में 16 से 24 साल के 17.1% नौजवान बेरोजगार थे, जबकि जून 2024 में यही बेरोजगारी दर 13.2% थी और मई में 16 से 24 साल की उम्र के 14.2% नौजवान बेरोजगार थे। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी एक विचारधारा के कब्जे का आरोप लगाया है। ह्यूज प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम इज द आइडियोलॉजिकल कैप्चर। मोस्ट ऑफ आवर वाइस चांसलर्स टुडे आर प्लेस्ड बाय द आरएसएस। दैट्स रियली डैमेजिंग। आपने कभी बिल क्लिंटन को या जॉर्ज बुश को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को या फिर बाइडन साहब को आपने विपक्ष में रहते हुए भी किसी दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बुराई करते हुए नहीं सुना होगा? ये सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे बल्कि वो एक दूरदर्शी नेता हैं जिनका बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। Contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees, I must tell you he is no papu. He is highly educated. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।